गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में भर्ती हुए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, बेचैनी की शिकायत के बाद भर्ती। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन आज, सीएम योगी ने फोन पर दी जन्मदिन की बधाई। खुशी दुबे की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, खराब सेहत का दिया हवाला। आज से लखनऊ में सख्त हुए ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आईटीएमएस तकनीक के जरिए कैमरे से होगा चालान। संभल में वृक्षारोपण समिति की बैठक आयोजित, बैठक में शामिल हुए डीएम। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। राजधानी लखनऊ में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं है। शहर में अब हाईटेक नियम लागू किया गया है और इस नियम के लागू होते ही शहर के हर चौराहों पर हाईटेक कैमरों की नजर 24 घंटे लोगों पर ही रहेगी। सख्त हुए ट्रैफिक नियम के साथ नियमों के तोड़ने वालों के खिलाफ भी कैमरे से ही चालान होगा। देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ में ट्रैफिक नियमों को काफी ज्यादा हाईटेक कर दिया गया है। अब राजधानी लखनऊ का ट्रैफिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट से संचालित होगा। शहर के हर चौराहों पर हाईटेक कैमरे और सर्विलांस सिस्टम निगरानी रखेंगे। अगर आपने अब गलती से इन चौराहों पर ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा तो ई चालान की जगह कैमरे से चालान होगा और वो आपके घर पर दस्तक देगा। दरअसल कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे ट्रैफिक स्टाफ को इन हाईटेक कैमरों की मदद से गाड़ी की नंबर प्लेट को ट्रेस करने में सहूलियत होती है। इससे चालान आपकी जेब में रखे मोबाइल पर मैसेज के जरिए पहुंच सकता है। फिलहाल 1 जुलाई यानी आज से ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पुलिस के लिए भी मददगार साबित होने वाला है। इस सिस्टम के जरिए पुलिस अपराधियों को आसानी से ट्रेस कर सकती है। इसके अलावा चोरी की गाड़ियों के नंबर को ट्रेस कर पुलिस अपराधियों को फौरन हिरासत में भी ले सकती है। वहीं प्रमुख चौराहों यानी हजरतगंज, बंदरियाबाग, लाल बत्ती, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, कपूरथला और पॉलिटेक्निक चौराहों पर आईटीएमएस सिस्टम लगाया गया है। फिलहाल जुलाई से शहर में ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये प्लान तैयार किया गया था। हालांकि अब इन चड़कों पर बेलगाम ड्राइवरों और स्टंट बाजों को ट्रैफिक रूल्स का पाठ पढ़ाने के लिए ये व्यवस्था सुचारू होगी। चौराहों पर हाईटेक कैमरों के लिए ऑटोमेटिक स्पीड रडार सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि 1 जुलाई से ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद ट्रैफिक नियम लागू कर दिए जाएंगे। देखिए, ये इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है और अब हम इसके फाइनल अंतिम चरण में आ गए हैं और इसका अब हम लोग ट्रायल जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंतर्गत सभी चौराहों पर जो है कैमरे लगे हुए हैं और जो भी ट्रैफिक वायलेशन होगा उसको ऑटोमेटिकली वहाँ से डिटेक्ट करके जो वायलेटर है उसके पास एक SMS चला जाएगा, मेल चला जाएगा और हार्ड कॉपी में भी जो है पोस्टल सर्विस के माध्यम से जो है उनको एक नोटिस इसके संबंध में भेजा जाएगा। तो अभी इसी व्यवस्था का जो है ट्रायल रन जो है स्टार्ट किया जाना है और इसमें अगर कोई छोटी मोटी उसमें अगर कोई कमियां हैं तो उसको जो है करेक्ट किया जाना है। सो लगभग कितने हर चौराहे पर कितने कैमरे लगे हैं? देखिए, ये अभी 132 चौराहे हैं जिन पर ये सिस्टम जो है लगाया गया है। सर, ये जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरी तरह तो क्या चालान राशि भी बढ़ाई जाएगी कि उतनी रहेगी जितना अभी तक चलती चली आ रही है? देखिए, ये तो जो विधिक जो नियम है उनके अधीन ही काम किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के माध्यम से केवल इसका जो तकनीकी सलूशन है वो उपलब्ध कराएगा। अब इस तरह से एडवांस ट्रैफिक नियमों से आम जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर लोगों ने थोड़ी सी भी चूक की तो ये गलती उन्हें काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है और ऑनलाइन चालान आपके घर पर दस्तक भी दे सकता है।
इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। अब आगे आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि इस तकनीक से यातायात नियमों में कितना सुधार आ पाएगा और क्या लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतेंगे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। खबर सहारनपुर से है, जहां दलितों, पिछड़ों व मुस्लिमों के 5-5 बीघा के पट्टों के आरक्षण व कृषि बिल के विरोध में भीम आर्मी ने महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में केंद्र की मोदी व यूपी की योगी सरकार को जमकर कोसा गया है। दरअसल जनपद के बेहट कस्बे में भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल पिछले करीब 50 दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इससे पहले वे भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। सरकार द्वारा सुनवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी द्वारा बेहद कस्बे के रविदास मंदिर के मैदान में महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया ने कहा है कि सरकार दलित और मुस्लिमों का उत्पीड़न करने पर तुली हुई है। देखिए, लगभग 45 दिन से भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हड़ताल पर हैं और हड़ताल करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि सरकार ने जो हमारे बहुजन समाज के 5-5 जगह पट्टों को वापस लिया है, हमारा समाज आज जो है बड़ी विडंबना में है। इसलिए भीम आर्मी ने हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया और आज हमने महापंचायत में निर्णय लिया है कि यदि सरकार ने हमारी बात को जल्द ही नहीं सुना, जो हमारे बहुजन समाज के अधिकार और देश के लिए पिछले 55 दिनों से भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल भूख हड़ताल पर थे, जिसके पक्ष में एक महापंचायत का आगाज किया गया। उस महापंचायत को अपने साथ छोड़ रहे भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता का साथ और सहयोग से आज सफल बनाया गया और यहाँ निर्णय लिया गया। अगर सरकार नहीं मानती तो महापंचायत इस जिले से उठ करके पूरे देश में आंदोलन होगा। लेकिन सरकार को याद दिला देना चाहते हैं कि हम लोग जब जब भी उठे हैं, जब जब अपनी मांगों को लेकर के मांगों को मंगवाया है, क्योंकि सरकार को याद होना चाहिए दिल्ली का तुगलकाबाद मंदिर या दो अप्रैल बहुजन समाज ने जब जब भी आवाज उठाई है उस आवाज को बुलंद करने का काम किया है। वहीं सहारनपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज में बने कोविड सेंटर में भर्ती एक महिला ने अस्पताल की छत से छलांग लगा दी। बुरी तरह से जख्मी हालत में महिला को अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जब 53 वर्षीय मरीज शकुंतला ने छत से छलांग लगाई, उस वक्त उसे एक वार्ड बॉय ने पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन सख्त जमीन पर गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद त्रिवेदी ने बताया कि कोविड संक्रमित महिला 27 जून को आईसीयू वार्ड में भर्ती हुई थी, जहां उनका इलाज जारी था। अभी सही कारणों का पता नहीं चल सका है, जांच के बाद कारण साफ हो सकेंगे। 46% पर शायद वो आई थी और 97% पर आज सुबह के रिकॉर्डिंग्स हम लोगों के पास हैं। तो 3 से 3:30 या 3:15 के लगभग वो पीछे टॉयलेट एरिया है, जहाँ पर वार्डों के टॉयलेट्स हैं, आईसीयू के टॉयलेट्स हैं, उसमें वो गई। टॉयलेट जाने के बहाने से वो टॉयलेट जाने के लिए गई और वहाँ से वो पीछे खुला हुआ एरिया है उसमें वो दीवार पर चढ़ने की उन्होंने कोशिश की, तो एक वार्ड बॉय ने देखा, जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है, वो पीछा उनके दौड़ा और उसने दौड़ के उनका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो तब तक दीवार पर चढ़ गई और वो उन्होंने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ सोहेल। तो सोहेल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से बने कोविड सेंटर में भर्ती एक महिला ने अस्पताल की छत से छलांग लगा दी, लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई थी, क्या अभी तक कोई कारण स्पष्ट हो पाया है इसका? देखिए प्रिया, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जब से कोरोना काल चला है काफी ऐसे सुसाइड के केस जो है सामने आए हैं पश्चिमी यूपी में और साथ ही साथ अन्य जिलों में भी, जहाँ पर जो है कोरोना पेशेंट मरीजों ने छत से कूद के अपनी जान दे दी है। ऐसा ही ताजा मामला एक सहारनपुर में भी नजर आया है और ये जो है मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज सहारनपुर की जो है घटना है, जहां पर एक कोविड पेशेंट महिला शकुंतला, जो 53 वर्षीय महिला थी, उन्होंने अस्पताल की छत से कूद कर अपनी जान दे दी। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी बात ये नजर आ रही है, क्योंकि प्रिंसिपल जो है अरविंद कुमार त्रिवेदी, उनका तो कहना है कि इलाज जो है काफी बेहतर किया जा रहा था हमारे यहाँ पर और उसके साथ साथ जो है महिला पेशेंट जो है रिकवर भी कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ
अगर अनुभवों को देखा जाए तो काफी ऐसे मामले आए हैं जहां पर अस्पताल की लापरवाही सामने आई है और उस लापरवाही के कारण ही मरीज ने जो है अपनी जान दी है। लेकिन यहां पर अभी कारण जो है स्पष्ट रूप से जो है जिला प्रशासन बताने को तैयार नहीं है। जी प्रिया जी, असुहेल क्या लगता है, कई बार इस तरह के मामले पहले भी आ चुके हैं कि अस्पताल की बिल्डिंग से कूदकर मरीज जो है वो जान दे देते हैं, लेकिन अगर बात की जाए इस मेडिकल कॉलेज की, क्या कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाते हैं? देखिए यहाँ पर पहले भी कई दफा आपको बता दूं प्रिया, जब काफी वीडियोस भी वायरल हुए जो कि कोरोना पेशेंट्स ने अंदर से बनाए थे कोविड सेंटर थे, और उन्होंने जो है जिला प्रशासन और मेडिकल प्रशासन के ऊपर जो है आरोप लगाए थे, लापरवाही के आरोप लगाए थे, गंदगी के आरोप लगाए थे, और उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि उनकी किसी तरह से केयर सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकरण को जो है अगर उससे भी जोड़ के देखा जाए तो अस्पताल की जो है लापरवाही तो स्पष्ट रूप से इसमें सामने आ ही रही है, भले ही जो है यहाँ के प्रिंसिपल अपना पल्ला झाड़ रहे हों। जी प्रिया जी, बहुत बहुत सुहेल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर सहारनपुर से बता रहे थे जहाँ पर कोविड संक्रमित महिला ने अस्पताल की बिल्डिंग से कूदकर छलांग लगा दी, और इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद त्रिवेदी ने यह बात कही है कि कोविड संक्रमित महिला 27 जून को आईसीयू वार्ड में भर्ती हुई थी जहां उनका इलाज भी जारी था। अभी सही कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच के बाद ही इसका सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। रुकते हैं अगली खबर की ओर। संभल में कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम संजीव रंजन की अध्यक्षता में वृक्षारोपण समिति की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जुलाई महीने में वृक्षारोपण की तैयारियों के संबंध में विभागों की समीक्षा की। इसी के साथ उन्हें निर्देश दिया गया कि विभागीय लक्ष्य के आधार पर वृक्षारोपण कराने के लिए गड्ढों की खुदाई का काम समय से पूरा हो जाए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो विभाग इस काम में लापरवाही करेगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि डीएफओ द्वारा इस साल जुलाई महीने में लगभग 23 लाख पौधों का वृक्षारोपण का काम संपन्न किया जाना है। वहीं डीएम की इस बैठक में कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नशा तस्करों के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसके तहत बीते एक महीने में सैकड़ों नशे के कारोबारी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इसी अभियान के तहत देवबंद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने नशे के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 57 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। यह गांजा छत्तीसगढ़ से लाकर यूपी के अलग अलग जिलों में सप्लाई होना था। वहीं मीडिया से बात करते हुए एसपी देहात अतुल शर्मा ने बताया कि थाना देवबंद से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, फिलहाल पूछताछ अभी जारी है। ये लोग जो कल हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जो ये नशा मुक्ति अभियान जो चलाया हुआ है, किसी को आगे बढ़ाते हुए थाना देवबंद में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से करीब 57 किलो गांजा जो है बरामद किया है, इसकी कीमत करीब। वहीं संभल की गुन्नौर विधानसभा से भाजपा विधायक अजीत कुमार राजू ने एक बार अपनी ही सरकार को खटगरे में खड़ा कर दिया। इस बार भाजपा विधायक के 2 पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसमें विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो पशु चोरों की मदद कर रही है, साथ ही किसानों की FIR तक दर्ज नहीं की जा रही है, किसानों को इसी वजह से उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। आगे विधायक ने यह भी कहा कि तहसील परिसर में दलालों का कब्जा है, हर काम के पैसे वसूले जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों के पशु जो है बहुत बड़ी तादाद में खोले जा रहे हैं। बहुत से लोग रात में आते हैं और हथियार नाजायज रख के आते हैं और जो है ज़बरदस्ती पशुओं को ले जाते हैं, और जब वो आदमी थाने में जाता है अपनी फरियाद करने के लिए, सुनाने के लिए, तो उसकी। रुकते हैं अगली खबर की ओर। आजमगढ़ में पुलिस की शातिर अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। शातिर अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान रोकने का काम किया। पुलिस की टीम की जवाबी कार्रवाई में अपराधी घायल हो गए। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी को पकड़ने के बाद पुलिस ने बताया कि उसने डबल मर्डर को भी अंजाम दिया है और उसके खिलाफ पहले से कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मेहनगा क्षेत्र में एक अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है।
इस पर थाना मेनगर पुलिस टीम और थाना वर्धा पुलिस टीम द्वारा खरियानी मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी, तो एक मोटरसाइकिल पर एक बदमाश आता हुआ दिखाई दिया। उसे रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में बदमाश के गोली लगी और उसे घेर कर पकड़ लिया गया। इसके पास से एक मोटरसाइकिल जो कि चोरी की प्रतीत होती है, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। इस बदमाश की पहचान राजन के रूप में हुई है जो कि 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है और यह अभी 2 दिन पूर्व जो थाना वर्धा क्षेत्र में बहुआ बाग में जो डबल मर्डर हुआ था उसमें ये इस अभियुक्त द्वारा। वहीं अलीगढ़ के थाना लोदा क्षेत्र में एक विशेष समुदाय के व्यक्ति ने प्राचीन खैरेश्वर धाम मंदिर को वाटर कूलर दान किया है। मंदिर को दान देने के बाद इस मामले में कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि मंदिर के अंदर दान के बाद विशेष समुदाय के व्यक्ति के नाम की शिला पट्टिका भी लगा दी गई है। मंदिर के अंदर लगी शिला पट्टिका को कुछ संगठनों द्वारा तोड़ दिया गया। साथ ही कहा गया कि किसी भी स्थिति में मंदिर के अंदर किसी विशेष समुदाय की परछाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं हंगामे की जानकारी मिलते ही सूचना पर मंदिर परिसर में पहुंची पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। देखिए, खैरेश्वर महादेव मंदिर जो है हमारे अलीगढ़ मंडल में आस्था का प्रमुख केंद्र है। हम भी उस मंदिर में आस्था रखते हैं। वहाँ पानी का भीषण संकट था, उसी को देखते हुए हमने मंदिर समिति से और मंदिर के जो महंत थे उनसे वार्ता कर एक वहाँ प्योरीफाई वाटर कूलर लगवाया था जिसका लोकार्पण स्वामी पूर्णानंद पुरी जी महाराज ने किया था। मंदिर समिति के सभी लोग मौजूद थे। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत सराहना की उस कार्य की और आज आपके माध्यम से मुझको पता चला। भाई साहब, यहाँ पर पहले भी प्याऊ लगा हुआ था, किसने दान किया था पहले आरो वो नहीं दिखाता और आज ये किसी ने मुस्लिम व्यक्ति ने किसी ने दान कर दिया तो इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया जो कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ हमारे हिंदू में ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी गलती है कि हम मंदिर पर मुसलमानों को आमंत्रित कर रहे हैं इस तरीके से, वो धीरे 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 हमारे मंदिरों पर घुस रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर ये इसी तरीके से ब्याहूँ मैं दूंगा आगे से, मुसलमान पर लगवाएं तो सही अपने उस पर मस्जिद पर लगवाएं। मैं कहता हूँ इन्होंने 10,000 का दिया है, मैं 20,000 का देने का हकदार हूँ, मैं 20,000 दूंगा अगर झंडी लगवाएं मस्जिद पर, तो अगर मैं भगवा कलर लगवाएं झंडी, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो और नहीं तो इस तरह। रुकरते अगली खबर की ओर। आगरा के थाना इरादत नगर क्षेत्र में तेजाब डालकर अधेड़ की हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस की टीम को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल की घेराबंदी करते हुए शव को जांच के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस को लोगों ने बताया कि अधेड़ लापता था और उसके बाद इरादत नगर इलाके में उसका शव बरामद हुआ है। वहीं आगरा के खंदौली इलाके में शादी समारोह में गोली चलने से किशोर की मौत हो गई। जानकारी मिली कि शादी में फोटो खींचने के दौरान गोली चली है। फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फायरिंग के बाद घटना स्थल पर लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मैनपुरी के कुसमरा नगर में एक किशोरी ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोरी के आत्महत्या करने की जानकारी पर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी के साथ परिवार वालों ने पुलिस में तहरीर दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी है। तो मैनपुरी से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर एक महिला ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि किशोरी की आत्महत्या करने की जानकारी पर परिजनों में काफी कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस लगातार इस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं सोनभद्र में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह के निर्देशन पर अवैध शराब तस्करी पर लगाम लगाया जा रहा है। अभियान के तहत शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनके कब्जे से मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। साथ ही एसपी ने पुलिस की टीम की तारीफ की और कहा कि शराब तस्करों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।